अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो कबीर। हाँ हाँ मिलोगे ना? हाँ हम पहुँच जाएंगे। ओके अरे भोलेनाथ, अपने जैसा भोला काहे बना दिया हमें? मतलब केसर की किसी भी बात को हम चाहते हुए भी टाल नहीं सकते, मना ही नहीं कर पाते। नहीं आप हमें एक बात बताइए, हमसे क्या गलती हुई है? मतलब क्या हुई है गलती? हम आपको पूरे दिल से मानते हैं, आपकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे भक्त हैं हम आपके, फिर हमारे साथ ही काहे ऐसा करते हुआ? ये जो एक के बाद एक मुसीबतों की कतार है ना हमारी छाती पर आ रही है, हम नहीं इसको सहन कर सकते भोलेनाथ। ऐसा लगता है जैसे गेहूं के साथ गुण पिसता है ना, वैसे हम पिसे चले जा रहे हैं, बस पिसे ही चले जा रहे हैं। भोलेनाथ ये बदकिस्मती की चक्की कब रुकेगी? अब आपसे बाद में बात करेंगे। महाराज क्या गलती हो गई महाराज हमसे? हम तो अपने दिल की बात ही बता रहे थे ना बाबा जी को। ये तो तीनों लोगों के स्वामी, अगर इनसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे महाराज? हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। उठो बेटा। नंदी महाराज? आप स्वयं महाराज? नंदी महाराज नहीं, हम। ऊपर देखो। प्रणाम पंडित जी। नंदी महाराज गुस्सा नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लिए उन्होंने, इसलिए बार बार तुम्हें लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं। ये संकेत है कि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है ऐसा सौभाग्य। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। बस भोलेनाथ कोई नई मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए, बाकी आप संभाल लेना। जय भोलेनाथ। क्या हुआ इतल काकी? तेरी हिम्मत कैसे हुई कबीर के घर ध्रुवी का रिश्ता ले जाने की? काकी वो ध्रुवी की हालत उस समय, मेरी बेटी की हालत मुझे समझाने की कोशिश कर रही है क्या सर? अभी जिंदा है उसके माँ बाप, तेरी तरह ना सड़क से उठा कर नहीं लाए उसे हम। सर आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ गई तू? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।